मैं रमेश का इंतजार तब तक करूंगी जब तक कि मैं उसे पा नहीं लेती। मगर तुम जहां तक पहुंचना चाहती हो उसके लिए तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। जब मैं मंदिर में पूजा कर रही थी तो वो औरत मेरे पास आई और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे जिसकी तलाश है उसकी कड़ी उससे होकर गुजरती है। परी, क्या हेम जी ने किसी औरत के बारे में तुमसे बताया जिससे वो मंदिर में मिली थी? हाँ, वो उसी से मिलने गई है। क्या बात है? परी, हेम जी की जान को खतरा है। ये लड़की जो हमारे बीच एक फरिश्ता बनकर आई है ये कौन है? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हेम की मौत का तांडव तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमारा वादा है तुमसे। कैसे हुए ये सब कुछ? क्यों बचाए मुझे? क्यों कर रहे हो ये सब? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों बचाया मुझे? देखो, तुम चुप नहीं रह सकते। मेरे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। तुम जानते हो कि मेरे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। मछुआरा हूँ, डूबी कश्तियों से बहुत गहरा नाता है मेरा। कई जीवन कश्ती की करवट लेने से बर्बाद हो चुके। आपको अपनी जान की फिक्र नहीं तो ना सही, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जो आपसे प्रेम करते हैं। कौन हो तुम? रमेश,
रमेश, क्या तुम मुझे हमेशा तड़पते हुए देखना चाहते हो? अगर चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्या तुम सच में मेरे सामने हो? क्या मेरा अब भी तुम पर उतना ही हक है? कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़ के? हेम, संभालो अपने आप को और मुझे ऐसे मत दिखो, वरना तुम्हें मुझसे और प्यार हो जाएगा। देखने दो रमेश, जी भर के मुझे देखने दो, ताकि मैं यकीन तो कर पाऊं कि तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, एक पल के लिए भी नहीं, और ना ही अपनी पलकें झपकाऊंगी। डर लगता है कि अगर मैंने अपनी पलकें झपका ली और तुम कहीं गायब हो गए तो। हेम, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने आना भी नहीं चाहता था। जानती हूँ, और इसी का जवाब मुझे चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी रमेश, जो तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते थे? मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई थी जो तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो? हेम, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे प्रेम में ही तो मुझे आज तक की जिंदा रखा, वरना मैं कब का मर गया होता। ऐसा मत कहो रमेश, मुझे बताओ कि इतने महीनों तक तुम कहां थे? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्या मेरे प्रेम में इतनी भी ताकत नहीं थी जो तुम्हें मेरी याद ना दिला सकी? कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। सच कहूं तो मैं तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं हूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर कोई तुम्हें दोषी मानता है और तुम अपने आप को, मगर मेरा क्या रमेश, मैं कहां जाऊं? मेरा मन कभी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि तुम गलत हो सकते हो। क्या तुमसे प्रेम करना मेरी गलती है? और अगर ऐसा है तो इस गलती को मैं सुधार नहीं सकती। तुम्हारे जाने के बाद हर वक्त बस मैं यही सोचती रही कि शायद ये मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाई। हेम, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा ही है रमेश, अगर ऐसा ना होता तो तुमने मुझे बता दिया होता कि तुम्हारी शादी सुशीला से हुई थी। किन हालातों में तुमने कमला को अपने घर रखा था, मुझे समझा सकते थे। थोड़ी देर तुमसे नाराज रहती, मगर उसके बाद एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करती, मगर तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम मुझसे मिलने नहीं आए? ये मेरी कुछ मजबूरियां थी। ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? हे, उस वक्त हालात बहुत बिगड़ चुके थे, मुझे लगा कि अगर मैं उस वक्त तुम्हें कुछ भी बताता तो और लोगों की तरह तुम भी मुझे गलत समझती। मैंने कई बार तुम्हें सच बताने की कोशिश की है, मगर तुम्हारी मासूम मुस्कान देखकर मैं हार जाता था। मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आता? गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। तुमने हर वक्त सिर्फ मुझे ही सजा सुनाई है। रमेश, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे अपने आप से अलग कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रमेश, और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मुझसे मिलना नहीं चाहते, तो फिर मैं किसके लिए जी रही हूँ? मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। देखो है, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो भी था वो गुजरा हुआ कल था, और बेहतर यही होगा कि तुम गुजरे हुए कल को भूलकर एक नया जीवन शुरू करो, एक ऐसा जीवन जिसमें रमेश का नाम और निशान तक नहीं हो। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? हेम, रमेश, मेरी तरफ देखो और मुझसे कहो, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? हेम, जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, प्रेम के सहारे जीवन नहीं चलता। हमारे जीवन में और भी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता। रमेश, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या अब हमारे बीच में वो प्रेम नहीं रहा? क्या मैं जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? और अगर ऐसा है तो आज मुझे बता दो, मैं कभी पलट कर तुम्हें दोबारा नहीं देखूंगी। मेरी तरफ देखो और कहो मुझसे, क्या तुम्हारे मन में हमारे रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है?
हेम, तुम अभी इसी वक्त घर चली जाओ। नहीं, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। हेम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ तुम्हारा रुकना खतरे से खाली नहीं है। नहीं जाऊंगी। आज तुम्हें मेरे सवाल के जवाब देने ही होंगे। लड़ाई करना चाहती हो मुझसे? इतना गुस्सा भरा है तुमने? हाँ, आज मैं झगड़ूंगी तुमसे। पहले कभी नहीं झगड़ी। अगर मुझे सच जानने के लिए तुमसे झगड़ना पड़ा तो मैं आज झगड़ूंगी तुमसे बहुत। हेम, तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही मासूमियत। कभी कभी तो मुझे डर लगता है तुम्हारी इस मासूमियत से कि कहीं मैं तुम्हें जाने अनजाने में कुछ दुख ना पहुंचा दूं। इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर रहना चाहता था। रमेश, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तक बस इसी उम्मीद में जिंदा थी कि तुम मुझे मिल जाओगे। अब दोबारा तुमसे अलग होने का मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रमेश, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बिना मैंने ये दिन कैसे बिताए मैं ही जानता हूं। हर पल मुझे तुम्हारा ख्याल रहता था। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, बस मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि अभी से, बल्कि आज से हम एक साथ हैं। और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे। और अगर तुमने ऐसा किया ना, तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। नहीं, दोबारा ऐसा मजाक में नहीं मत बोलना। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हिम, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ मतलब? रमेश, तुम भी मेरे साथ घर चल रहे हो? नहीं हिम, मैं तुम्हारे साथ अभी घर नहीं चल सकता, क्योंकि अगर मैं चला तो सब कुछ पता चल जाएगा जो मैं नहीं चाहता, और तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझी तुम? मगर रमेश, क्या मुझे भी जानने का हक नहीं था कि तुम कहाँ थे? रमेश मेरे दोस्त, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें ये ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? और तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। रमेश, तुम्हें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना होगा। कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह जब तक तुम अपनी बात कहो उस बात की कीमत खत्म हो जाए। और सबको सच बता दो। भी नहीं आता। तुम जानते थे कि रमेश जिंदा है, तो फिर ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम इससे पहली बार मिल रहे हो। हेम जी, मुझे पता है कि आज आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि रमेश के एक्सीडेंट के बाद मेरे उससे आज मुलाकात हुई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई भी कही हुई बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हेम बारन सही कह रहा है, मैं तो तुम लोगों के सामने आना भी नहीं चाहता था। अगर आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती तो शायद हमारी मुलाकात भी नहीं होती। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए मैं अक्सर बारन को फोन करता था। इसका मतलब बारन जानता था कि तुम इसी शहर में रह रहे हो? हेम जी, मैं मजबूर था। आपके बार बार पूछने पर भी मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन यकीन मानिए कि आप दोनों मिल गए
दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मुझे। ये झूठी खुशी दिखाना बंद करो तुम। ये वक्त तुम दोनों की बहस करने का नहीं है। हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए। मगर रमेश, तुम रहोगे कहाँ? ये भरत कब से श्री राम के आने का इंतजार कर रहा था। आज तुम आ गए, मेरा इंतजार खत्म हुआ। चलो मेरे साथ, चलो। रमेश, तुम इतने दिन कहां थे? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुम दुनिया वालों के सामने नहीं आ पा रहे थे? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा दोस्त कितना अकेला पड़ गया था? जिंदगी के कुछ सच इतने कड़वे होते हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है, मगर उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है उनसे बचना। मैं मानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मुझे जो सजा दी गई वो बहुत बड़ी थी, और अगर आज मैं तुम दोनों के सामने जिंदा हूं तो उसकी वजह हेम का प्रेम है। सही वक्त आने पर मैं तुम लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मुझे खुद ढूंढने। रमेश, क्या बात है, हमें बताओ, हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके? नहीं हेम, मैं वैसे ही सब कुछ खो चुका हूं। देखा जाए तो मेरे पास अब खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। जब से वापस आया हूं काफी कुछ बदल चुका है, लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ चुका है। सबके सामने आने से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए उनका भरोसा जीतना। जब तक कि मैं उनका भरोसा नहीं जीत लूंगा, मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगा। तुमने सही कहा रमेश, सब कुछ बदल गया है, सिवाय मेरे मन में तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम की तस्वीर नहीं बदली। मैं नहीं जानती रमेश कि इस बीच तुमने मेरे लिए क्या फैसला किया है, मगर मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, और अब तो कहीं ज्यादा। जानता हूं, और इसी प्रेम से बहुत डरता हूं। ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी वजह से हमें फिर से बिछड़ना पड़े, तो फिर क्या होगा? नहीं रमेश, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं समझ रहा हूं हेम तुम क्या कहना चाहती हो, मगर जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम जो चाहते हैं जो सोचते हैं वही हो। जिंदगी की अपनी चाल होती है, होना वही होता है जो लिखा है। मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं अपने आप को वही रमेश बना के सबके सामने पेश कर सकूं जिसे लोग पसंद करते थे। मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं लोगों के मन से नफरत के बीज हटा सकूं। रमेश, तुम्हें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना होगा, कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह जब तक तुम अपनी बात कहो उस बात की कीमत खत्म हो जाए। अपने आप से लड़ना बंद करो रमेश, ताकि ताकि तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए, और सबको सच बता दो। हेम, मैं तुम्हारा दोषी हूं, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रमेश, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर मुझे तुम दोनों पर। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मेरा दोस्त तो वापस आ गया। आज मुझे लगता है जैसे सारी दुनिया की खुशी मेरी ही झोली में आ गई है। रमेश, ये वक्त गिले शिकवे दूर करने का नहीं है, ये वक्त है खुश रहने का, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का, ताकि तुम्हारी सारी बात दुनिया वालों के सामने आसानी से आ जाए। हमारी किस्मत ही हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि रमेश ने हमारी आंखों के सामने हेम को बचाया? रमेश ये कैसे भूल सकता है कि उसकी जिंदगी किसी और ने नहीं,
कि हमने बचाई थी। ये वक्त है खुश रहने का, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का, ताकि तुम्हारी सारी बात दुनिया वालों के सामने आसानी से आ जाए। बारी, तुम सही कह रहे हो, मगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो बस मुझ पर भरोसा रखो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हिमजी, समय ज्यादा हो गया है, आपका परी इंतजार कर रही होगी। हाँ, अब मुझे निकलना चाहिए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम लोगों को मिलने आऊंगी। रमेश, जाने से पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। किस्मत ही हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि रमेश ने हमारी आंखों के सामने हेम को बचाया? रमेश ये कैसे भूल सकता है कि उसकी जिंदगी किसी और ने नहीं, हमने बचाई थी। तुम्हारे चले जाने के बाद ये तुम्हारा दोस्त कितना अकेला पड़ गया था, लेकिन अब मेरा दोस्त आ गया है। बारिन, तुम्हारा यही प्रेम मुझे बहुत कमजोर कर देता। मैं चाहकर भी तुम्हें किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि कुछ दिनों बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ रमेश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे और हम दोनों दोस्त साथ रहकर सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे।